नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल रात्रे और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 9 की बुक चल रही है राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसका हम लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 7, राजस्थान की शौर्य परंपरा। इसका एक वीडियो हमने कल बनाया था, वो नहीं देखा, और किताब के अब तक की जो वीडियो है वो आपने नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो राजस्थान के जो दो परमवीर चक्र विजेता है, एक तो मेजर पीरू सिंह शेखावत और एक मेजर सैदान सिंह, इनकी आज हम जो है गाथा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत। आज़ादी के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया, यानी 1947 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने जो कबायली हैं इनके माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत शहीद हुए, यानी इसमें युद्ध में जो है राजस्थान शेखावटी क्षेत्र के एक वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत शहीद हुए। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 22 मई 1918 को गांव रामपुरा बेरिये, जिला झुंझुनू में होता है, इनका गांव है रामपुरा बेरिये जो कि झुंझुनू जिले में है, और 1936 में वह राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए, 1936 में वह राजपूताना राइफल्स जो आर्मी की एक बटालियन है उसमें भर्ती हुए। 1948 की गर्मियों में कबायलियों और पाकिस्तान सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टीथवाल सेक्टर पर आक्रमण किया, यानी जो 1948 की जो गर्मियाँ थी इसमें कबायली और जो पाकिस्तानी सेना है इन्होंने संयुक्त रूप से कश्मीर के टीथवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा था, यानी जो दुश्मन है वो पहाड़ी पर जमा था। उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपूतान राइफल्स को, यानी 6 राजपूतान राइफल्स को सौंपा गया, जिसकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। आधे से ज़्यादा साथियों के शहीद होने के उपरांत पीरू सिंह उसी मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े जो उसके साथियों पर मौत बरसा रही थी, यानी जो मशीन गन थी उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वे दूसरी ओर मशीन गन की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन पर एक बम गिरा और वे घायल हो गए। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन देश के सैनिकों को मारने का किया। अतः 18 जून 1948 को वह शहीद हो गए। उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। इसके बाद हम बात करते हैं शहीद मेजर शैतान सिंह की। 1961-62 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला किया। भारत ने न्यूनतम संसाधनों के उपरांत भी ये लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ी, यानी भारत के साथ क्या साधन कम थे वो उसने बहादुरी के साथ लड़ाई ली। इसमें भारत के कई जाबाज सैनिक शहीद हुए और बहुत सारे जाबाज सैनिक शहीद हुए। राजस्थान की मेजर शैतान सिंह भी इनमें से एक में थे, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह का जो जन्म है वो 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ था। 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेजलांग दर्रे में चीनी सेना को मुकाबला कर रही थी। 18 नवंबर 1962 को पहली खेप में 350 सैनिकों ने, दूसरी खेप में 400 चीनी सैनिकों ने हमला बोला, किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले में घायल होने के उपरांत भी वे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। उनके सामरिक और सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने 1000 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गया, किंतु इस संघर्ष में मेजर शैतान सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि इस संघर्ष में उनके दोनों हाथ लहू लुहान हो गए, तो भी मशीन गन को अपने पैरों से बांधकर वे पैरों से शत्रुओं पर मशीन गन तब तक चलाते रहे जब तक उनके प्राण पखेरु न उड़े। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 को उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। अब देखो राजस्थान के जो महावीर चक्र विजेता प्रमुख हुए सेनानी, उनके देखो महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण है, यानी महावीर चक्र जो है परमवीर चक्र के बाद दूसरा शौर्य अलंकरण है। ये युद्ध के समय वीरता दिखाने वाले के लिए दिया जाने वाला है, यानी युद्ध के समय जो वीरता दिखाता है उसके लिए ये पदक दिया जाता है। यह सम्मान मुख्यतः युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है, यानी उच्च शूरता और त्याग बलिदान के लिए सैनिकों और जो बिना सैनिक नहीं होते उनको भी दिया जाता है। यहाँ हम राजस्थान के उन बहादुरों की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे जिन्होंने विभिन्न युद्ध के दौरान बहादुरी के लिए महावीर चक्र दिया, यानी राजस्थान के उन बहादुरों की चर्चा करेंगे जिन्हें अलग अलग युद्धों में महावीर चक्र प्रदान किया गया। तो सबसे पहले बात करेंगे सूबेदार चुन्नाराम फगेड़िया की। राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चुन्नाराम फगेड़िया को दिया गया। 1948 को भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस और वीरता परिचय के लिए इन्हें मिला था। सूबेदार चुन्नाराम फगेड़िया का जो जन्म है 1923 में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की ढाणी में हुआ था। जो उन्होंने 1948 में
कश्मीर का जो पुंछ राजौरी सेक्टर है इसमें पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को हटाने की जिम्मेदारी राजपुतरा राइफल्स की टुकड़ी को सौंप गई, जिसे हवलदार चुन्नाराम फगेड़िया जो है नेतृत्व कर रहे थे। फागड़िया, जब वे दुश्मन के नज़दीक पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड फेंका गया, किंतु चुन्नाराम उससे भयभीत नहीं हुए। उन्होंने दो दुश्मनों को मार गिराया जबकि तीन को घायल कर दिया। उनके इस अदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया। यहाँ पर आपको तस्वीर भी नजर आ रही है चुन्नाराम फागड़िया की। इसके बाद बात करते हैं शहीद सैनिक ढोलक सिंह। भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में जोधपुर जिले के शेखला जुन्नावास गांव में जन्मे बहादुर सैनिक ढोकल सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। उनका जन्म 1 दिसंबर 1923 को हुआ था। 21 वर्ष की आयु में 1944 में वे भारत की सेना के 6 राजपूतान राइफल्स में सम्मिलित हुए। अप्रैल 1948 में ढोकल सिंह की जो सैन्य टुकड़ी है वो कश्मीर के उरी क्षेत्र में तैनात थी। 29 अप्रैल को ढोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी को उरी का मोर्चा कहलाने वाले नवाला पिकेट को दुश्मन कब्जा छुड़ाने का आदेश मिला। 20 घंटे तक चले लंबे संघर्ष में दुश्मनों द्वारा बरसाई गई गोलियों और लगाई गई आग की प्रवाह किए बिना ढोकल सिंह आगे बढ़ते रहे। ग्रेनेड से घायल उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया। वह इस हमले में शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत की। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म 2 अक्टूबर 1923 को हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान की युद्ध के समय रघुवीर सिंह 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे और उनकी सैन्य टुकड़ी को पंजाब का जो खेमकरण और असल उत्तर क्षेत्र की जो है कमान संभाली थी। उनकी टुकड़ी पर 9 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के जो सैनिक है उन्होंने आधी रात को टैंकरों से हमला कर दिया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह नेतृत्व में भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने 22 जो पेटेंट टैंक थे इसको नष्ट कर दिया और दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। उनके इस साहस के उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नल उदय सिंह भाटी की। राजस्थान के एक और वीर सपूत को 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये वीर सपूत है कर्नल उदय सिंह भाटी जो जोधपुर के शेरगढ़ से संबंध रखते हैं। 1971 के दिसंबर माह में उनकी तैनाती कारगिल सेक्टर में थी जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। उनके नेतृत्व में लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को चालुंका से तारटोक तक का क्षेत्र कब्जा करने का काम सौंपा गया। सभी तरफ से कटा हुआ 18,000 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री वाला तापमान वाला ये ऐसा क्षेत्र था जिस पर चलना भी दुर्गम था यानी कठिन था। कर्नल उदय सिंह के कुशल नेतृत्व संचार से कटे उस दुर्गम क्षेत्र में उनके दल ने सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और अपनी जो दुश्मन है इनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी सूझबूझ से उन्होंने अपने हाथ साथियों को हौसला बनाने का और 10 दिन तक चले इस ऑपरेशन में दुश्मन सैन्य का बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनके इस साहसिक योगदान के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह की। लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह का जन्म 6 जुलाई 1933 को जसोल बाड़मेर में हुआ था। 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह पुन्ना हॉर्स कमांड में थे। 16 दिसंबर 1971 को हुणत सिंह शक्करगढ़ सेक्टर में तैनात थे और उनकी टुकड़ी को बस्तर नदी पर दुश्मनों से लोहा लेने हेतु भेजा गया। दुश्मनों ने जमीन के भीतर जो है विस्फोटक बिछा रखे थे, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना हुणत सिंह ने लगातार 2 दिनों तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का सामना किया और 700 मीटर अंदर तक जाकर दुश्मनों के करीब 50 टैंक नष्ट कर दिए। उनके साहसी नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने उन्हें फकरे ही हिंद से नवाजा। अप्रैल 2015 को उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह की। राजस्थान के एक और वीर सपूत जयपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह 5 और 6 दिसंबर 1971 को पैराशूट रेजिमेंट के साथ चतरों और वीरवाह पोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने लगातार चार दिन और चार रात दुश्मनों के क्षेत्र पर आक्रमण किया और बिना अपनी जान की परवाह किए वह साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। दुश्मन के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने में वे कामयाबी हासिल की। इस उपलब्धि के साथ भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। आगे बात करते हैं ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह की। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे और 1971 की लड़ाई के समय उनकी पोस्टिंग असम में थी। उन्होंने करीब 3,000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री है इसको सामग्री को अत्यंत सीमित क्षमता रखने वाले हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी। उन्हें रात में अत्यंत असुरक्षित क्षेत्र में जो है लैंडिंग करानी थी।
7 और 8 दिसंबर को उन्होंने स्वयं 8 बार उड़ान भरी और शत्रुओं की सीमा के भीतर जाकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जमीन से उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा रहा था, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने 18 बार इस मिशन को पूरा किया और उनकी साहसिक सफलता के लिए 1972 में उन्हें महावीर चक्र दिया गया। नायक सुगन सिंह नागौर जिले के निवासी नायक सुगन सिंह 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय जो है 7 राजपूताना राइफल्स में त्रिपुरा में नियुक्त थे। 9 दिसंबर 1971 को उन्हें उनके दल के साथ मायन माटी नामक स्थान पर शत्रुओं पर आक्रमण करने का आदेश मिला, जहां वे पक्के बंकर में मशीन गनों के साथ थे। नायक सुगन सिंह को एक सेक्शन नष्ट करने का आदेश दिया गया। नायक सुगन सिंह ने एक मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। इस प्रक्रिया में उनके कंधे पर गोली लगी, फिर भी बहादुरी दिखाते उन्होंने शत्रुओं के बंकर पर हथगोले फेंका और 2 दुश्मनों मार गया। तदुपरांत दूसरी मीडियम मशीन गन को पोस्ट पर निशाना बनाया, हालांकि वे घायल अवस्था में गिर गए, फिर भी ग्रेनेड से दूसरे बंकर को नष्ट कर 3 शत्रु सैनिकों को मार गया। इस हमले में वे स्वयं शहीद हो गए, उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायक दिगेंद्र कुमार पारसवाल नायक दिगेंद्र कुमार पारसवाल का जन्म 3 जुलाई 1969 को सीकर जिले के झादरा गाँव में हुआ। उनके पिता शिवदान जी है वो स्वतंत्र सेनानी थे और बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। 1948 की लड़ाई में शिवदान जी की जो सांस के नीले इसमें गोलियां लगी। पिता की प्रेरणा से दिगेंद्र भी सेना में भर्ती हुए। वे 2 राजपूताना राइफल्स में थे और कारगिल युद्ध के समय उनकी टुकड़ी को तोलोलिंग की जो चोटी इस पर कब्जा करने का लक्ष्य दिखा, जो सबसे मुश्किल कार्य था। दिगेंद्र इसके लिए 6 किलो वजनी रूसी रस्सा और ऐसी किले जो चट्टान में घुस सकती है साथ ली और अपने साथियों और सैन्य सामग्री के साथ 10 जून 1999 की शाम तोलोलिंग चोटी की ओर बढ़े। किले चट्टान में ठोकते गए और उन पर रस्सा बांधते हुए आगे बढ़े। 14 घंटे की श्रम साध्य सफर के बाद वे लक्ष्य पर 12 जून 1999 की दोपहर को पहुंचे। पाकिस्तान सेना ने 11 बंकर वहां पर बना रखे थे। रात के अंधेरे में वे चोटी की ओर बढ़े, किंतु चोटी पर जो दुश्मन है वो मशीन गन के साथ घात लगाए बैठा था। दिगेंद्र का हाथ अचानक मशीन गन की बैरल को छू गया, जो बम बरसने के कारण गर्म हो रहा था। दिगेंद्र ने उसका मुँह बंकर की ओर कर दिया, इससे 1 बंकर जो है नष्ट हो गया। दुश्मन के करीब 250 कमांडो और आर्टिलरी लगातार गोले बरसा रहे थे, जिन से दिगेंद्र उनके साथी भी फायरिंग करते थे, किंतु गोले के हमले से दिगेंद्र के हाथ से मशीन गन छूट गई और उनके साथ एक एक करके उनके मारे गए। किंतु दिगेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और 11 बंकरों पर 19 हथगोले फेंके। दुश्मन के मेजर अनवर को मार गया। 13 जून 1999 तोलोलिंग की चोटी पर 4 बजे तिरंगा लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी पर भारत सरकार ने 15 अगस्त 1999 को उन्हें महावीर चक्र से अलंकृत किया था। दोस्तों, आज हमने जो है राजस्थान के शौरवीरों की गाथा पढ़ी, परमवीर चक्र विजेता और महावीर चक्र विजेता होंगे। अगले वीडियो में जो है हम आपके लिए लेके आएंगे राजस्थान की वीर सेनानी जो अशोक चक्र विजेता हैं उनकी, और राजस्थान की कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल जो मिले उनकी ये कहानी लेके आएंगे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।